नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 23 अप्रैल। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल हमने कॉटन में तो स्टेबिलिटी देखी, बट कपास और कॉटन सीड ऑयल केक में हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि फंडामेंटल नो डाउट अभी भी स्ट्रांग है, बट हायर लेवल पे थोड़े से लेवाली कमजोर पड़ती, क्योंकि जो भी स्टॉकिस्ट बाय करने की कोशिश कर रहा है उन्हें भी पता है कि प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न है हायर लेवल्स पे बाइंग का। बट सप्लाई कंसर्न अभी भी बना हुआ है मार्केट में, जो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट कर सकता है। टेक्निकली भी हमने देखा कि 2800 का लेवल काफी अच्छे वॉल्यूम से तोड़ा है, जिसके बाद अपसाइड का जो रेजिस्टेंट है वो सीधा 3000 का लेवल बनता है। नो डाउट कोरोना का जो सेकेंड वेव है, इसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में कुछ कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। महाराष्ट्र में सीवियर लॉकडाउन है, गुजरात, राजस्थान, सभी जगह पे हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे, जो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न करता है। बट जिस ढंग से समर्स बढ़े हुए हैं और बाकी खरों के भाव बढ़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल केक को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑयल के मार्केट में भी हमने बेताजा अच्छी तेजी बनते हुए देख पा रहे हैं। सोइंग काफी इंपॉर्टेंट है कि इस बार थोड़े से कंसर्न है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीड कम है महाराष्ट्र में, ये अपडेट आई भी है। बट ओवरऑल भाव को देखते हुए लग रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कॉटन की सोइंग जबरदस्त रहनी है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फैक्टर्स कॉटन के लिए नेगेटिव कर सकता है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा प्राइजेस कंटिन्यू तेजी। एक इंटरनेशनल में हमने ये भी चीज देखी कि चाइना कंटिन्यू सीवियर बाइंग कर रहा है, चाहे सोयाबीन की बात करें, कॉटन की बात करें, और अब मक्के के ऊपर इनका ध्यान ज्यादा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इंटरनेशनल फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर अभी भी पॉजिटिव है। जस्ट एक कंसर्न जो है वो एक थोड़ा ओवरबॉट है, वो कोरोना का कंसर्न है, जिसकी वजह से हायर लेवल पे बार बार में प्राइजेस के अंदर एक करेक्शन आता रहता है, बट टाइट सप्लाई के चलते लोअर लेवल से भी बाइंग कंटिन्यू रहती है। तो संभल के ट्रेड करें, ट्रेड सेटअप अच्छा है, फंडामेंटल मजबूत है अभी भी, लेकिन थोड़ा बहुत कोरोना का कंसर्न और टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से मार्केट में करेक्शन मोड है। चार्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक ऑलरेडी 2850 का लेवल तोड़ चुका है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है एक पुलबैक अगर दे भी दे 2700 तक तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो 50-day मूविंग एवरेज है। अदरवाइज प्राइजेस 3000 से लेके 3200 तक का नेक्स्ट रेजिस्टेंट लेवल बन रहा है, जो कहीं ना कहीं एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स डेनिगेट करता है। वहीं आइस कॉटन की बात करें तो प्राइजेस 78.6% के ऊपर रिट्रेस करके चल रहा है कंटिन्यू। अगर पिछली बार का लेवल 86 का लेवल अगर तोड़ देता है तो हम 87 से 88 तक के भी लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें डोमेस्टिक मार्केट पे, तो हमने पहले भी कहा है कि प्राइजेस में गेन जरूर मिल जाए, लेकिन 22000 का लेवल अब जल्दी रिटेन करता हुआ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मानसून भी काफी अच्छा है और ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई चीज बिगड़ती नहीं है तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा बाउंस जरूर आ जाए, बट सस्टेनेबल बाउंस नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म। अब धीरे धीरे कॉटन में नेगेटिविटी आना चालू हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।